हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मार्वल की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल कैप्टन मार्वल यानी कैरोल डैनवर्स के बारे में। आज हम कैप्टन मार्वल के बारे में ऐसा कुछ जानेंगे जो शायद ही आपको पता हो, और पता ना भी हो तो हम बताएंगे क्योंकि आप मार्वल के फैन हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, कैप्टन मार्वल मूवी से पहले कई सारे एनिमेटेड शो और वीडियो गेम्स में दिख चुकी थी, पर कैप्टन मार्वल को कभी अपनी खुद की टीवी सीरीज या फिर एनिमेटेड सीरीज नहीं मिली है। तो बेन बेट्स ने मार्वल एनिमेशन के साथ साथ कैप्टन मार्वल एनिमेशन का आइडिया रखा और उन्होंने अपने बनाए और लिखे हुए 5 मिनट के सैंपल को भी एनिमेशन टीम को दिखाया। बेन बेट्स को इतना यकीन था कि उन्होंने वॉइस एक्टर को भी हायर कर लिया था, पर अफसोस कि मार्वल एनिमेशन वाले नहीं माने। पर क्या आपको पता है 2015 की एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी वो कैप्टन मार्वल की छोटी सी भूमिका दिखने वाली थी, पर उसे भी रद्द कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे रिजेक्शन हो चुके कैप्टन मार्वल के ऊपर। मार्वल कॉमिक्स में हमें कैप्टन मार्वल यानी कैरोल की काफी अच्छी जिंदगी दिखाई गई है। कैरोल का प्रोफेशन देखा जाए तो जिंदगी काफी बेहतरीन रही है। कैरोल सबसे पहले एयरफोर्स पायलट के रूप में मार्वल कॉमिक्स में दिखी थी। इसके साथ साथ वो CIA और नासा में भी काम कर चुकी है। जब कैरोल को अपनी पावर मिलती है तो वो नासा की सिक्योरिटी चीफ होती है। नासा कैरोल के सामने शर्त रखता है कि अगर उसे उसकी पावर का इस्तेमाल करना है तो उसे सिक्योरिटी चीफ की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। कैरोल को ये बात सही नहीं लगती और वो नासा को एक्सपोज करने के लिए एक आर्टिकल लिख देती है, जिसके कारण जेम्स कैरोल से इम्प्रेस हो जाता है। जेम्स कैरोल को अपने वेमेन मैगजीन के बतौर एडिटर के रूप में रख लेता है, पर आगे जाके कैरोल को अपने कैप्टन मार्वल की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने के लिए काम भी छोड़ देना पड़ता है। पर क्या आपको पता है कि टोनी स्टार्क ने कैप्टन मार्वल की मदद की थी? जी हाँ, टोनी स्टार्क ने कैप्टन मार्वल की मदद की थी। मार्वल कॉमिक्स में एक ऐसा समय भी आता है जब कैप्टन मार्वल शराबी बन जाती है। कैरोल के लाइफ में हो रही ट्रेजेडी से कैरोल काफी ज्यादा दुखी होती है। हर पियक्कड़ की तरह अपने गम को भुलाने के लिए देवदास बन जाती है और उनको केयरलेस व्यवहार के लिए उनको एवेंजर्स से भी निकाल दिया जाता है। पर टोनी उनका साथ देता है उनकी शराब की लत को छोड़ने के लिए, जो कि कॉमिक्स में खुद ही शराब की लत से बर्बाद होते होते बचा था। अपने उसी अनुभव को कैप्टन मार्वल को बताता है और उसे फिर से सही रास्ते पे चलना सिखाता है। खैर, क्या ये आपको पता था? कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियोस आते रहते हैं।